फैसलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। दामन में बेकरार सपने हैं, कितने बिखरे हुए हैं खुशियाँ, कितने गम आसान था हुआ। में जो फैशत फैली हुई है वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उससे बिल्कुल मानूस नहीं हूं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है कल समीर बहुत देर तक आपकी बातें कर रहा था, लेकिन मुझसे बात नहीं की। गलती ना शर्मिंदा कर देती है, इसीलिए शायद वो आपके सामने नहीं आ रहा। अच्छा, आप समीर की तरफ से परेशान ना हो, उसकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहेंगी। नहीं माने, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी की खातिर किसी और को कैसे तबाह करूं? इमाने प्लीज, देखो एक फैसला कर लो,
यूं हाँ और ना के बीच में लटकी रहे तो जरूर मर जाओगी। क्या करूं मेरा? एक वादा करो प्लीज। क्या? समीर को भूल जाओ या कुछ। नीचे मैनेकिन पे रेड ड्रेस था ना, वो मुझे चाहिए प्लीज। शेर की मैं दिखाता हूँ आपको और भी डिजाइन। ये यही वाला है, यही चाहिए सर। ये तो सेल कर दिया साहब को मैंने, ये तो दे दिया। लेकिन यही चाहिए था मुझे, हमको भेज दिया। भगवान इमाने और समीर शादी करना चाहते। इमाने समीर को बस बेटा बस बस तुम जाओ। अभी तो देखना क्या होगा, हीरा और गजाला आएंगी तो बहुत बिगड़ेंगी। लीजिए बिगड़ने की क्या बात, यानी अब मैं शादी भी ना करूं? नहीं भाई, बिगड़ेंगी वो इस बात पर कि ना मांझा और ना मेहंदी। अच्छा अब आप जाइए, गाड़ी का वक्त हो रहा है, वो लोग आने ही वाले हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली होंगे? नहीं वो हॉस्टल जा चुका है। Who's this? जी मैं उसका दोस्त हसन बोल रहा हूँ अंकल। हाँ हसन, हसन बेटा हाँ, तुम ऐसा करो कि अली से उसके मोबाइल पे बात कर लो। परेशान है तो आप खुश हो जाएं, मैं शादी से इनकार कर चुका हूं। अली मैं शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं किया। तुम्हें अपनी खातिर भी यही करना चाहिए था। थैंक यू। अभी नहीं, इमाने का निकाह हो जाने थे, उसके बाद आराम से ना समीर से बात कर लेंगे। और वैसे भी तब तक ये लोग इस्लामाबाद जा चुके होंगे, सुकून से कर लेंगे, है ना? अम्मा बेटा शर्जी नहीं है, बस आने वाले होंगे। अम्मी मेरे और समीर किधर गए? वो है आपके साथ मर गया। अस्सलामुअलैकुम, आपको फुर्सत मिल गई। वालेकुम अस्सलाम जी, जमाने में एक आप ही नहीं है खाली मसरूफ, और भी लोग हो सकते हैं। अच्छा राफिया तुमको मालूम है कि आमना की मामू की शादी हो रही है? क्या जी खाला? तो खाला ऐसी शादी कि क्या किसी नौजवान की भी ऐसी शादी नहीं हुई होगी। घर बंगला गाड़ी जो कहे सब कुछ है उनके पास, और उनके बॉस की छोटी बहन, घर दामाद बन के खुश रहेंगे। Really? जी हाँ, आज रात जगह भी है और इसलिए मैं जल्दी भी आ गया हूँ, आज रात वहीं जाना है ना हमने। अच्छा मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद दे देना।
क्या बात है बेटा, इस्लामाबाद नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मामू। मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी चला जाऊं, उससे क्या होगा? तुम खुद को काबू में रखो, कुछ नहीं होगा बेटा। वो क्या कैसा है? ऐसा नहीं है कि सीमा उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सके। पक्की उम्र का कलाश आदमी है। आप शहजर को ही ले आती? नहीं बेटा, उसको पहले दिन से ये एहसास दिलाना जरूरी था कि शीमा एक बच्चे की माँ है और उसको शीमा के साथ साथ बच्चे की भी देखभाल करनी है। बेटा, पराए बच्चे की देखभाल कोई आसान काम नहीं है, और अगर हम पहले दिन ले आते तो वो दूसरे दिन शीमा से कहता इसको वापस भेज दो। तुम क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो? ऐसे बस हमेशा हेल्प करता हूँ, ना सोचने का भूल जाता। चलो आओ खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग गई। आओ बेटा, आओ मेरा बच्चा। अच्छा शाम अकेलेपन से थक गया था। पता नहीं आपको अकेलेपन से शनासाई है या नहीं, मेरे पास देने को कुछ है नहीं सिवाय मोहब्बत के। हालांकि मुझे इस लफ्ज के मानी भी नहीं मालूम। किसी ने की नहीं मुझसे मोहब्बत, शायद इस काबिल ही नहीं समझा। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हूं। अब मुझे सिर्फ आपके लिए जीना है, आपकी खुशी के लिए, बस सिर्फ आपके लिए। किसी तकलीफ को आपके पास आने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूं। किसी खौफजदा इंसान को अगर मुहाफिज बना दिया जाए
तो बहुत मजबूत बन जाता है ना। अब आप किसी से मत डरिएगा, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। चली गई। मैंने बहुत कहा कि मेरे साथ चले मगर मानी नहीं। खैर, हमारी तो घर की बात है। रजी, हम 8 तारीख को निकाह कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो जुमा है, दूसरे मैं सोच रही थी कि 9 तारीख को मैं वापस चली जाऊं तो अच्छा है। हिरा और गजाला तो रुके भी नहीं, सुबह सुबह चले गए। हिरा का कॉलेज था ना, और इमाने की भी बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्या बात है। इमाने की तो छुट्टियां आपने ख्वामख्वा करवाई भाभी, आपको तो चले जाना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये है भाभी कि अगर इमाने को अली से शादी नहीं करनी थी तो हमें बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी। ये क्या कह रहे हो रजी तुम? भाभी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रजी ने तो यतीम भतीजी समझकर गले लगाया था और आपने इन्हें धोखा दे दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भाभी बस, मैं बच्चा नहीं हूं। हाँ, अली जरूर बच्चा है, वरना जो कुल आपकी बेटी खिला रही थी वो उसे नजर आ जाता। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया, और आज के बाद मैं ये समझूंगा कि मेरा भाई नहीं मरा बल्कि उसके और मेरे बीच के तमाम रिश्ते मर चुके हैं। मियाँ, इंसान बीवियों से नहीं माहौल खराब होने से डरता है बस, और आप भी डरने लगेंगे इन करीब। मियाँ, एहतजाज करने की हिम्मत भी नहीं होगी आप में हमारी तरह। हाँ, रहने दे आपको तो एहतजाज करने की बहुत प्रैक्टिस है। समीर कहाँ है, उसको तो बुलाओ। अरे हाँ,
किधर है भाई? उसने तो मुझे फोन कर करके बुलाया। अयाद, आज समी से जरूर बात कर लीजिएगा, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। नहीं आपा, कहा है ना कि बाद में। खाल, अब किस बात का डर है? अब्बा, आप समी से कह दीजिएगा कल मशल के अम्मी अब्बा आएंगे। सब आ गए? जी आ गए। खाला दी? जी। मैं आता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता राफिया, मुझे लगता है कि समीर अब नॉर्मल होता जा रहा है। हंसा पुरसकून है वो, आज सारा दिन मेरे साथ था, बिल्कुल नॉर्मल था। कोई खास बात है क्या? बहुत सी खास बातें, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम सब इकट्ठे हैं आज और बहुत खुश हैं। तुम भी खुश हो ना समीर? क्यों, मुझे खुश होने का हक नहीं है क्या? गुड, आज हम तुम्हारी इस खुशी को दुबारा कर रहे हैं। भाई ये खबर हम सुनाएंगे, आखिर हमें भी कोई अच्छी खबर सुनाने लगा है यार। हाँ तो मियाँ, बात यह है कि सच बात तो यह है कि आज मैं आपसे एक छोटी सी खुशी मांगने लगा हूँ। देखो बेटा, हम तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम कौन हो तो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, मुझे तबाह करने वाले। अरे तुम ये क्या कह रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। क्यों, क्या मुझे अपने दिफा का हक नहीं है? क्या ये भी आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है? मैं पूछती मुझे तमाशा क्यों बनाया जा रहा है, जवाब दो। हिमाने, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। इनसे पूछिए कि अली ने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया है। प्लीज हिमाने, यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, प्लीज हिमाने, नहीं जाऊंगी। रुक जाइए भाभी, जवाब मैं दूंगा। हमारे जवाब ये है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। शहजर को सुना दूं, जागा रहेगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा। जिसने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वो क्यों नहीं हो सकती जिसे मैं चाहता हूं? क्यों, क्या बात करूं और क्यों किसी के मिन्नतें करूं कि वो मुझसे शादी करे? मैं ऐसे नहीं जी सकती क्या? कम बुखार और ज्यादा बुखार का मतलब बुखार बुखार होता, अब देखिए दवा नहीं लेने की वजह से फिर से बढ़ गया बुखार। कोई भी बुखार नहीं है तुम्हें, ऐसे हंगामा ज्यादा कर दिया। तो बेटा से ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ।
No.